फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम, तो हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और अंडे का शाही टुकड़ा। तो हमने कहा चलो रस्क रख दे रहे हैं, रस्क और ब्रेड दोनों लेके आए थे, तो रस्क रख दे रहे हैं और ब्रेड से हम बना रहे हैं शाही टुकड़ा। तो ब्रेड और अंडे का शाही टुकड़ा सभी को मेरे घर में पसंद है, तो गर्मा गर्म हम बनाते जाते हैं, सबको देते जाते हैं। तो हमने कहा चलो बना देते हैं, शाम का टाइम है, चाय का टाइम है, तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो हमने कहा चलो ब्रेड का शाही टुकड़ा ही बनाते हैं आज। तो सबसे पहले हम दूध रख देंगे भगोने में, पैन में, तो इसे हल्का सा गुनगुना करना है। और इसमें हम चीनी डालेंगे, एक कटोरी चीनी डालेंगे, एक छोटी कटोरी। और एक से दो इलायची या फिर लौंग आप डाल दें, बहुत ही टेस्टी लगता है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो इलायची और लौंग डालने से ना, तो इसमें अंडे वाली महक नहीं रहती और बहुत ही बढ़िया बनती है, टेस्टी एकदम इलायची वाले फ्लेवर में। The next day. तो ये है हमारी चाय सुबह की। तो फ्रेंड्स, जब तक चाय ना पी लो तब तक ऐसा लगता है कि सुबह ही नहीं हुआ है। तो हमने कहा पहले चाय पीते हैं बना करके, फिर उसके बाद आगे का काम देखते हैं, नाश्ता बनाएंगे। तो पहले सब लोगों को चाय दे देंगे। तो आज संडे है, तो थोड़ा इत्मीनान से हम उठे हैं, नहीं तो मेरी तो 7 बजे ही पूरा नाश्ता रेडी हो जाता है, बन जाता है, तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है दोपहर के टाइम और हम बना रहे हैं खाना। तो सुबह नाश्ता हो गया, सारे लोग नाश्ता कर लिए और घर का सारा काम भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं खाना बनाने, दोपहर का टाइम है और आज संडे है। तो आज बच्चे घर में हैं और मेरे हस्बैंड जी गए हैं कोई काम से बाहर, तो दोपहर 2:30-3 बजे तक आएंगे। तो जब तक हम खाना बना के रेडी कर ले रहे हैं जल्दी से। इसको चाहे जितना सही से रखूँ फैल जाता ही है, नेल कटर मिलता नहीं है टाइम पर। ये है आयजा की छोटी सी बास्केट। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं सिंपल सा दाल, लाल मसूर और अरहर की दाल। तो इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और थोड़ा सा आधा चम्मच कलर के लिए हल्दी डाल देंगे और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। बस इसे हम ढक करके 4 से 5 सीटी आने तक अच्छे से इसको हम पका लेंगे, फिर उसके बाद इसको ऊपर से बघारेंगे बाद में। इधर हमारा चावल बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने चढ़ा दिया है चावल, तो इधर चावल बन जाएगा और उधर दाल। क्या हो रहा है? याद करने कहे हैं और काट मोबाइल देख रहे हो तुम लोग? हाँ, अच्छा पढ़ाई हो रही है। इनकी हंसी देखो, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इम्तिहान, चलो बैठो, क्वेश्चन आंसर याद हो गया जो कहा था? चलो तुम भी अपना रिपीट, ये देखो सब, ये सब आएगा एग्जाम में। अच्छा,
चार शब्दों वाले इमला आएगा। देखो कितनी गलती है, देख लो कितनी गलती है। सही करो सम, अच्छी राइटिंग से लिखो, इसमें और प्यारा प्यारा लिखो, ये वाला इसमें लिखो, इसको देख के अच्छा सा, इसको देख के इसमें लिखो अच्छा सा। और ये देखो मैम रिपीट लिखी भी है, चलो बढ़िया सा खूब प्यारा प्यारा मोती की तरह लिखो, देखते हैं कितनी अच्छा लिखते हैं, लिख के दिखाना हमको। तुम बंद करो मोबाइल जल्दी से, फटाक मोबाइल बंद करो, क्वेश्चन आंसर करो, सब उठा कर रख देते हैं जल्दी जल्दी, सही करना है। ऐसे ही जल्दी जल्दी से रख देते हैं, कपड़ा धोते हैं तह लगा के रख देते हैं। तो ये बन गया हमारा गर्म दाल। फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आज धूप थी उमस वाली धूप बहुत ज़्यादा, सजा के खेल रहे थे, पढ़ने का है तो कार सजा के खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थक गए हैं और भूख भी बहुत तेज से लगी है, तो अब जा रहे हैं खाना खाने। खाने में है दाल चावल, आम का अचार, करेले की सब्जी और रोटी, और आयजा लेके आई है पानी ठंडा, है ना आयजा, थैंक यू। तो खाना खाकर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है।